let's take this example. Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Okay. Find the surface area of the resulting cuboid. Okay. यहाँ दो cubes हैं जिनका volume 64 सेंटीमीटर क्यूब है. दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब. दोनों क्यूब्स का अलग अलग 64 सेंटीमीटर क्यूब है. ओके अब इन दोनों को मैंने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनको ज्वाइन करना है एंड टू एंड, यानी इसको उठा करके इस एंड को बगल में रखना है. तो लेट अस सी क्या फिगर बनेगा. इट विल बी लाइक ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बनने वाला है. ये दो क्यूब्स को मैंने जोड़ दिया है एंड टू एंड. ओके यानी ये यहां पे इस क्यूब को मैंने इसके बगल में रख दिया है. नाउ ये क्यूब क्या था, इसकी कोई साइड ए है, हाइट भी ए है और विड्थ भी ए है. यहां पर सेम क्यूब है क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है तो ये सेम आने वाला है. तो इन दोनों को अगर मैं क्लब करूंगा तो ये जो इसकी लेंथ है दैट इज ए और ये यहां पे इसकी लेंथ क्या हो गई है ए और यहां भी ए है. तो लेंथ दिस लेंथ विल बिकम इक्वल टू 2a. ठीक है, व्हाट अबाउट दिस, ये कितना रहेगा अगर दोनों को अगर बगल बगल में रख दिया हूं आस पास रख दिया हूं तो ये कितना रहेगा दिस, ये तो ए ही रहेगा. और हाइट में क्या अंतर आ जाएगा, हाइट में भी कोई अंतर नहीं आ जाएगा, ये रहेगा. तो अब ये बन गया एक क्यूबॉइड जिसकी एल इज इक्वल टू 2a है, बी इज इक्वल टू ए है, एच इज इक्वल टू ए है और हमें इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं ए की वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमको दिया हुआ है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, दैट इज ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 4 सेंटीमीटर. हमारा जो एक साइड ऑफ द क्यूब है दैट इज 4 सेंटीमीटर. ठीक, ना हमें पूछा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड ये बन के आया है इसका सरफेस एरिया पूछा है. तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. अगर हम ये फॉर्मूला रिकॉल करें तो इट विल बी लाइक दिस, लेंथ ब्रेथ और एच इज इक्वल टू हाइट. तो इस तरह से अगर हम इसको वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स दैट इज एल इन टू बी, एल इज इक्वल टू 2 ए, b इज इक्वल टू ए. तो 2a इंटू ए प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, a इंटू ए प्लस एच की जगह पे आ जाएगा a इंटू 2a. ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करें तो क्या बन जाएगा, दैट इज 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस अगेन 2a स्क्वायर, दैट विल बी 5a स्क्वायर. इट कम्स आउट टू बी 10a स्क्वायर. नाउ द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड इज 10a स्क्वायर और हम जानते हैं, हमने यहां फाइंड आउट कर लिया है कि a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 10 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ऐसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं.